गया चोरी करते करते, उसको तूने सोने की ईंट दे दी जिससे मेरे दांत टूटे, वो चोर को ही दिखाई पड़ी। आज से तेरी पूजा नहीं करूंगा। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, सुन, आज जिस ईंट से तेरे दांत टूटे उस ईंट से तेरी मृत्यु होनी थी, मृत्यु, लेकिन तूने कर्म इतने अच्छे किए कि तेरी मृत्यु टल गई। मंदिर में रोज नियम से घंटी बजाने से तेरी मृत्यु टल गई और उस चोर को आज सोने से चांदी से हीरे से गड़ा हुआ पूरा खजाना मिलना था, लेकिन जीवन चोरी में निकाल दिया तो एक सोने की ईंट पर संतोष करना पड़ा। कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म सबसे बड़ा है। हाँ, कोहू न काओ सुख दुख करिला, 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 निज कृति कर्म भोग सब घाता, 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 कर्म प्रदान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। ये जीवन बड़ा विचित्र है और इस जीवन में कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी इस जीवन में, इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। पता नहीं है किसको कब जाना पड़ेगा। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा दर सेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न ताली तो बजा दो ताली। Thank you.